अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज डिस्कशन वीडियो ऑन परसेंटेज। सो उससे पहले हम कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं। रेशो जस्ट क्या है? दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन है। इसे फ्रैक्शन भी कहते हैं, जिससे यानी एक नंबर को आप डिवाइड करके दूसरे नंबर से लिखते हैं ए ओवर बी, तो इट इज आल्सो नोन एज ए रेशो बी। देन वी हैव प्रोपोर्शन, उसमें हम दो फ्रैक्शन या दो रेशोज को इक्विवेलेंट रखते हैं, और जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डैट बिकम्स ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो जैसे इसमें बेसिकली क्या हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई में, कि आप इस ए को इस डी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस सी को इस बी से, तो डैट बिकम्स ए डी इज इक्वल टू बी सी। नाउ कम्स टू द परसेंटेज थिंग। सो जो रेशियो है उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप उसको परसेंटेज कहेंगे, यानी अगर ए ओवर बी है और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट्स परसेंटेज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो परसेंटेज जो साइन है वो आप याद रखें कि हमेशा वो 1/100 के बराबर होता है। परसेंटेज से क्या मुराद है? परसेंटेज, सो सेंट जो है, 1 डॉलर में 100 सेंट होते हैं, तो वहां से ये टर्म निकला है कि 1/100, 1 सेंट 100 में से। तो 20% का मतलब है 20 out of 100, और जिसे हम क्या लिखेंगे 20/100। तो मेन चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जहाँ भी परसेंटेज साइन है वहाँ पे आपने उसको ख़त्म करने के लिए उसकी जगह 1/100 लिख देना है, और फिर उसके बाद सिंपलीफाई कर लें। 2 10s are 20, या ये 0 0 से कैंसिल, 2 5s are 10, तो 1/5 या 0.2, जिसे अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो वापस 20% बन जाएगा। ओके, सो परसेंटेज टू डेसिमल अगर आपने लिखना है जैसे 55% है, तो जैसे अभी हमने किया, तो परसेंटेज की जगह सिंपल आप 1/100 लिखेंगे, और 2 जीरोस की वजह से जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्रिक बताई जा रही है कि आप ये काम करने की बजाय आप डायरेक्टली ही 2 स्टेप पीछे ले जाएं पॉइंट को जहाँ पे वो है। अगर वो नहीं नजर आ रहा तो आखिर में, अगर कहीं मेंशन्ड है तो जाहिर है वो वहां पे होगा, उसको 2 स्टेप आप पीछे ले जाएं। फॉर एग्जाम्पल 38% है तो वो क्या होगा, 2 स्टेप पीछे 0.38। 14.5 में अब पॉइंट नजर आ रहा है, इसको 2 स्टेप पीछे ले लें 0.145। 0.25 है तो इसको मजीद 2 स्टेप पीछे लेके जाना है, तो 2 स्टेप तो नहीं है तो फिर हम अपनी तरफ से 0 लगा देंगे, 0.00, क्योंकि 2 स्टेप, 2.5 जो उसकी पहली पोजिशन थी। तो इस तरह परसेंटेज डेसिमल 1/100 करके भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट टेक्निक बना के भी कर सकते हैं। 45.5, जिसे हमें पढ़ा हुआ है कि इसको आप 245.90 प्लस 191 डिवाइडेड बाई 2, जो कि बन जाएगा 45.5, यानी इस 1/2 को आप हाफ लिख लेंगे, 0.5। तो इसमें भी 2 स्टेप पीछे जाना है तो 0.455। तो परसेंटेज से डेसिमल में जाने के लिए आप जो पॉइंट है उसको 2 स्टेप पीछे ले जाएंगे। अच्छा, इसका वाइस वर्सा अगर डेसिमल से परसेंटेज में लेके जाना हो तो क्या करेंगे, 2 पॉइंट स्टेप्स आगे ले जाएंगे। 0.55 को हम लिख लेंगे 55%, 0.38 को लिख देंगे हम 38%, 2.5 को हम लिख देंगे 2 स्टेप आगे। अब है 1 स्टेप तो एक अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे, 250%। 0.03 को हम 2 स्टेप आगे लेके जाएंगे तो 0.3%। ओके, देन वी हैव परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ये अभी तक जो हमारे बात थी वो थी परसेंटेज टू डेसिमल, जो कि ये हमने देखी। अब इसी परसेंट को हम फ्रैक्शन में लेके जाएंगे, तो उसका तरीका यही है कि पहले आप परसेंटेज की जगह 2 प्लेसेस छोड़ के पॉइंट लगा दिए, जैसे कि इसने वैसे ही लगाए हुए हमने पिछले स्टेप में किया। अब उसके बाद आप ये डायरेक्ट इस पे जा सकते हैं कि ये चाहे स्टेप आप स्किप कर दें, कि आपको पता है परसेंटेज से मुराद 100 है। इसके बाद इसको सिंपलीफाई कर लें, 5 11s are 25 एंड 5 20s are 100। इसी तरह इधर आ जाए कि ये स्टेप इग्नोर कर दें, परसेंटेज का मतलब है 100, तो 2 19s 250। इसी तरह इसको सॉल्व कर लें, तो जस्ट आपने परसेंटेज की जगह क्या लगाना है,
जीरोस, टू, और उसको सिंपलीफाई कर देना है, तो वो आपकी परसेंटेज किसमें चली जाएगी, फ्रैक्शन में। अगर ये वाइस वर्सा केस आ जाए, यानी इसका उल्टा, कि आपको कहीं फ्रैक्शन से परसेंटेज में लेके जाए, जैसे कि ये 3/4 एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में लेके जाना है, तो क्या करेंगे, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75%, जो कि बन जाएगा 75%। तो अगेन आप ये स्टेप चाहे इग्नोर करते हैं, इसी तरह 5/8 है तो सिंपल 100% से करते हैं, सॉल्व कर लें, 2 4s are 8 या 4 2s are 8, 25, इसको उसे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो 62.5% आ जाएगा। ये परसेंटेज की लामत मौजूद है। इसी तरह इसको आप कैसे करते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई, 5 3s are 15, 2 add 17, 17 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि इसको मैं करूंगा तो 17 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100%। यानी ये तरीका भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा इजी है। तो 5 20 आ गया, और 20 को 17 से करेंगे तो 340। तो दोनों मेथड आपसे शेयर किए जा रहे हैं जो आपको इजी लगे। तो ये अब क्वेश्चन आप खुद करें, व्हाट इज 7/8 एज अ परसेंट। तो कैसे, मैंने बताया कि 7/8 को परसेंटेज में करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दें। अब सिंपलीफाई कर लें, 4 2s are 8, 400 कितना होगा, 25, 2 2 भी कर सकते हैं, उसके बाद ये से मल्टीप्लाई होकर 12.5 बनेगा, और उससे आप जब करेंगे तो वो 87.5, तो इसका आंसर जो है वो सी बन जाएगा, ठीक है। यानी 2 into 25 12.5, फिर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5s are 35, 3 carry, 7 12s are 84, एंड 87.5। सो अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए परसेंटेज सेंटेंस वाइज, तो कैसे करेंगे, परसेंटेज की जगह परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का, होल की जगह टोटल, इस की जगह इक्वल टू, पार्ट की जगह पार्ट। तो ये बेसिकली टेक्निक है जिससे, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि दिस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस। तो जैसे कि क्वेश्चन है, 36% ऑफ 72 इज व्हाट नंबर, कि 72, 72 का अगर आप 36% लें, जैसे 72 का 50% है 36, 72 का आधा 36 बनेगा, 72 का क्वार्टर क्या बनेगा, 18, लेकिन वो हमसे पूछ रहे हैं 36%। तो सिंपल क्या करें, 36% को लिख लें, जो भी है इसकी जगह इक्वल आ जाएगा, 36% की जगह 36 या 36/100, जो आपको इजी लगे दोनों में से जो भी टेक्निक। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, जैसे कि ऊपर बताया गया है, डॉट के साथ भी मल्टी शो कर सकते हैं, और 72, और व्हाट की जगह एक्स। तो इसको इस बार सॉल्व कर लें, 4 1s are 4, 4 18, ये 25, 36 को 18 से मल्टीप्लाई करें, 25 से डिवाइड, तो आपके पास 25.92 आ जाएगा। या 0.36 को 72 से कर लें, एक ही बात है, यानी आप परसेंटेज को परसेंटेज नंबर ओवर 100 लिख दें, या दो पॉइंट के बाद पॉइंट लगा दें, एक ही बात है। तो 30, जैसे मैंने बताया 72 का 50% कितना होता है, 36, तो 72 का 36% जो है उससे कम होगा, तो इट इज 26 ऑलमोस्ट। अब क्वेश्चन है कि 42% ऑफ व्हाट नंबर, अब हम इसको वैसे एक दफा करते हैं, 42% की जगह 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, व्हाट की जगह एक्स, इस की जगह इक्वल टू। देखें कितनी आसानी से हो रहा है, अगर आपको कोड पता है, ऑफ का कोड है मल्टीप्लाई, व्हाट का कोड है एक्स, इस का कोड है इक्वल टू, और नंबर का कोड है नंबर, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है
42 से जाके डिवाइड हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे जैसे कि इन्होंने बैक एंड पे किया हुआ है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो इसको सोल्व कर लें सिंपल कैलकुलेटर बेस। अभी तो आप कर सकते हैं, पेपर में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन भी इजी होगा ना, उसमें फिर ये सिंपल डिवीजन्स होंगी जो आप आसानी से कर सकेंगे। सो 76 का 50% कितना था? 38, आधा। लेकिन ये है 42% जो कि नज़दीक नज़दीक बनता है 9, 31.92। वट परसेंट ऑफ 63 इज 56? तो देखें, वट की जगह एक्स, परसेंटेज की जगह परसेंटेज की अलामत, या परसेंटेज की अलामत अगर नहीं लगानी तो आप उसकी जगह 1/100 लिखेंगे। तो ऑफ की जगह एक्स, 63 इसकी जगह क्या आएगा? इक्वल टू, यानी फिक्स कोड्स हैं और यही कोड आपसे पूछे जाने हैं। तो ये आपके पास आ गया परसेंटेज की जगह 100, ये 63 से मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई, और इसे सॉल्व कर लेंगे। अब इन्होंने देखें कैसे किया हुआ, इन्होंने भी उसी तरह किया है, सिर्फ परसेंटेज को यूज किया दूसरे। ठीक है, इसको परसेंटेज में किया तो 88.9% आ गया। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू टू डू कि ये 130 का क्या है। सो 2.4% परसेंटेज की जगह 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 130 इसकी जगह क्या आएगा? इक्वल टू, और वाटर नंबर की जगह एक्स। बस इसे सॉल्व कर ले कैलकुलेटर पे फिलहाल, क्योंकि कैलकुलेटर के साथ ही होगा, लेकिन पेपर में आपको इजी, जो टेस्ट में इजी चीज़ें पूछी जाएंगी बगैर कैलकुलेटर वाले, तो 3.12 बन जाएगा। अगेन वाट की जगह एक्स, परसेंटेज की जगह परसेंटेज साइन, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 48 इसकी जगह इक्वल टू, और इसकी जगह इसकी। तो इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक्स निकल आएगा विच इज 108%, 51.8। देखिए 48 एक नंबर है, उसका परसेंट है आप पूछ रहे हैं 51, तो ज़्यादा 48 से ज़्यादा है तो ज़्यादा 100% प्लस होगा। तो कुछ इस तरह भी आप चीज़ों में टेक्निकली देख सकते हैं। ओके, सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। रियल टाइम के जमाल ने एक कार खरीदी है $570 की, सेल टैक्स 7% है। अब वो ये कैलकुलेट करना चाह रहा है कि 570 के साथ मुझे एक्स्ट्रा कितने डॉलर चाहिए जो कि मुझे सेल टैक्स की मद में देने हैं। तो हमने क्या करना है, 570 का 7% निकालना है। तो $570 का हमने 7% निकाल के देखना है कि वो क्या आएगा। ठीक है, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो परसेंट, तो ये उसने लिखा हुआ है कि 570, 7% मतलब 0.07, या वैसे ही कर लें इक्वल टू एक्स, तो ये आ गया 39.90। अब ये आंसर नहीं है क्योंकि टोटल कॉस्ट में पूछी गई है, तो इसको आपने असल कॉस्ट में ऐड करना है। तो 570 प्लस 39.90 विल गिव यू 609.9। तो ये उसकी टोटल कॉस्ट है गाड़ी की। ये एक ईजिली हम विजुलाइज कर सकते हैं, हम बाजार से चीज़ें खरीदते हैं तो वो सेल टैक्स उसमें ऐड होता है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक, अगर आपने एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के परसेंटेज के शो पे शो करना है तो सिंपल डिवाइड करना है। 6 ग्राम को आप जो जिसकी परसेंटेज को शो करना है उसे डिवाइड करते हैं और फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो परसेंटेज आ जाएगा। इसी तरह अगर 30% को करें तो ये बनेगा, जैसे 30% की जगह आ जाएगा 100, 0 0 से कट गया। इसको सॉल्व करें तो ये 6/22, 3 6 2 10 20, तो यही बनता है। तो
बेसिकली उसका रिवर्स प्रोसेस कह सकते हैं। तो करना सिर्फ ये है कि जिसको परसेंटेज कहा गया उसको बटे में लिख दें और 100% से मल्टीप्लाई कर दें। इट रेन्ड फॉर 18 डेज लास्ट जनवरी, जनवरी में 18 दिन बारिश हुई। व्हाट परसेंटेज ऑफ द मंथ वाज इट ड्राई, कितने दिन ये कुछ करा। 18 की परसेंटेज नहीं पूछी गई ड्राई की। तो अगर जनवरी के 31 दिन है तो ड्राई कितने दिन रहा, 13। तो 13 को आप डिवाइड करते 31 से, तो आपके पास निकल आएगी कितनी परसेंटेज है ड्राई डेज की, 42%। अगर अगर आपने वेट की निकाल ली हो तो 18 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये गैस कर सकते हैं कितनी आएगी आपके पास, ऑलमोस्ट 58%, क्योंकि टोटल परसेंटेज हमेशा 100% होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, आंसर लिखे हुए हैं, जो प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द परसेंटेज थिंग। नेक्स्ट हमारा एक थोड़ा सा टॉपिक है एवरेज का, जिसमें सिर्फ आपने फॉर्मूला करना है जो कि है सम ऑफ द वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज, की कितनी वैल्यूज हैं और कितनी तादाद है उसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन है कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 160 है, नंबर ऑफ बॉयज 40 है और नंबर ऑफ टीचर्स 100 है, तो उसकी बताएं एवरेज क्या है। तो सिंपल तीनों को जमा करें, तादाद 3 है, आंसर 100 आ जाएगा। तो आपसे जो शेयर्ड फाइल है उसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं इस पे, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है एवरेज दे के, नंबर ऑफ वैल्यूज दे के पूछ ले के सम बताएं। जैसे किसी केस में वो कहे कि एवरेज 100 है और गर्ल्स बॉयज और टीचर्स हैं, तो बताएं उनकी टोटल तादाद क्या है। तो आप एवरेज इज इक्वल टू 100, नंबर ऑफ वैल्यूज 3 मल्टीप्लाई हो गए तो 300 बन जाएगा सम। इसी तरह वो सम और एवरेज देके आपसे नंबर ऑफ क्वांटिटीज पूछ सकता है, तो वो भी इसी तरह फॉर्मूला। तो ये सिंगल फॉर्मूला आपने करना है जिसकी बेस पे आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और उसी बेस पे आप टेस्ट दे देंगे। ओके, गुड लक।